बीते दिन थाना ग्राया अधीन पेंदे पिंड रुड़का कलां विखे एक भरा ने अपनी ही भैन नूं गोली मार के मौत दे घाट उतार दिता सी। इस मामले विच थाना ग्राया की पुलिस ने मृतक लड़की के भरा नूं वारदात समय वरते गए हथियार समेत गिरफ्तार किया है। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए थाना ग्राया के SHO केवल सिंह ने दसिया कि गुरपाल सिंह पुत्र जगजीत सिंह वासी पिंड रुड़का कलां ने अपने बयानों दसिया कि उसके 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। लड़की प्रदीप कौर जो ब्याही हुई सी जिसका 2 साल पहला तलाक हो चुका सी जो हुण चंडीगढ़ विखे काम करती सी। गुरपाल सिंह दी पिंड रुड़का कलां विखे कोठी है जिस विचों उसका लड़का गुरदीप सिंह अते रेशम लाल हिस्सा मंगते सन। रेशम लाल अते गुरदीप सिंह अपनी भैन कमलदीप कौर कोल पिंड भुट्टो थाना डेलो जिला लुधियाना विखे रहिंदे सन जो वारदात तो करीब 3-4 दिन पहला ही पिंड रुड़का कलां विखे आए सी। 11 जुलाई नूं मृतक प्रदीप कौर भी चंडीगढ़ तो रुड़का कलां विखे आई सी जिन्हां दा रात समय कोठी विच हिस्से नूं लै के झगड़ा हो गया। रात नूं उह सौं गए। सवेरे 4 बजे दे करीब रेशम लाल ने बैठते पई प्रदीप कौर की गोली मार के हत्या कर दिती जिस ते बनदा मामला दर्ज करके ग्राया पुलिस ने तफतीश अमल विच लियांदी जिस दौरान ग्राया पुलिस ने रेशम लाल नूं पिंड बीड वासियां दे पेट्रोल पंप नज़दीक गिरफ्तार कर लिया। जिस पासों बाद दा समय वरत्या गया देसी पिस्तौल समेत 2 जिंदा रौंद 315 बोर बरामद किए हैं जिसनों मानयोग अदालत विच पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और होर पूछगिछ की जाएगी। उधर जब इस मामले विच फड़े गए दोषी रेशम लाल नाल गलबात की गई तो उसका कहना है कि उसकी भैन का चाल चलन ठीक नहीं सी जिस करके उसने अपनी भैन का कतल किया है। SSP साहब जलंधर देहाती श्री सरबजीत सिंह SPD जलंधर श्री दविंदर अत्री जी सब डिवीजन फलौर के दिशा निर्देशों अनुसार मिति 12/7/20 मुकदमा 302/25/69 दर्ज रजिस्टर होया जिसका दोषी रेशम लाल उसकी गिरफ्त तो बाहर से जिसनों कल गिरफ्तार करके उस पासों वरत्या हुआ पिस्तौल कट्टा देसी 315 बोर 2 रौंद बरामद किए जिसनों अज पेश अदालत किया जा रहा है जिसनों पेश अदालत करके उस रिमांड हासिल करके अब पुछगिछ की जाएगी। काफ़ी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। यह कट्टा जैसे पुछगिछ दसिया भी मैं UP तो लैके आया जी 4 दिन ये भजया रहा पुलिस तो कितने भी गुरुद्वारे जाता सी लुधियाना साइड से जिस गुरुद्वारे जाता सी उत्थे सेवा करके तो लंगर छक के उसी गुरुद्वारे के ग्राउंड पै जाता सी। उस तो बाद कल एक तुरदा अपने दोबारा पिंड आया पिंड तो फिर जा रहा सी जन पुलिस ने पुछगिछ विच पता लगा जी कारण की है ये जिहड़े ने अपनी भैन नूं गोली करके मारी पुछगिछ से इन्हें दस्या मेरी जिहड़ी भैन आ भैन पहला नीलो पिंड ब्याही सी जिथे इसका 8 साल का लड़का आ उसका तलाक हो गया। तलाक होने तो बाद उसके जिहड़े पैसे मिले सी वह इतने रुड़के कलां जिहड़ी कोठी बनाई उस 6 लाख रुपये ने हिस्सा पाया सी फिर पैसे वंड करके जो मकान की वंड तो इन आपस में लड़ाई झगड़ा मुंडिया का रहिंदा सी ये कहती सी मेरी कोठी है वह कहते साड़ी कोठी इस तो इन्हों का काफ़ी लड़ाई झगड़ा चलता सी। उस दिन भी रात को जिस दिन उसकी मौत हुई आ उस दिन रात को भी इन्होंने काफ़ी लड़ाई झगड़ा भैन भरा का इससे पहला लुधियाने केस रजिस्टर लड़ाई झगड़े का जिस पी ओ कि पी ओ चलता करीब 1 साल तो पी ओ चलता जी ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।